हेलो गाइस, दिस नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशम कीट के वोल्टिनिज्म और मोल्टिनिज्म के बारे में। रेशम कीट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली बॉम्बिसिडी के सदस्य होते हैं। हम बात करते हैं वोल्टिनिज्म की। वोल्टिनिज्म आखिर होता क्या चीज़ है? किसी जीव के द्वारा एक वर्ष में जनरेशन उत्पन्न करने की क्षमता को हम वोल्टिनिज्म कहते हैं, जिसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन तथा मल्टीवोल्टाइन। जो किस्म एक वर्ष में एक जनरेशन पैदा करता है उसे यूनिवोल्टाइन कहा जाता है, जो दो जनरेशन पैदा करते हैं उन्हें बाईवोल्टाइन कहा जाता है। इसी प्रकार से मल्टीवोल्टाइन जो किस्म होते हैं वो एक वर्ष में कई जनरेशन तक पैदा कर सकते हैं। यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन या मल्टीवोल्टाइन जो किस्म होते हैं एक दूसरे से आकार एवं आकृति में भिन्न होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बात करते हैं यूनिवोल्टाइन किस्मों की। यूनिवोल्टाइन किस्म एक वर्ष में सिर्फ एक ही जनरेशन पैदा कर पाते हैं। इनके लार्वे का वजन बाईवोल्टाइन तथा मल्टीवोल्टाइन की अपेक्षा कहीं अधिक होता है तथा इनके द्वारा उत्पन्न किया गया, इनके द्वारा बनाए गए कोए का वजन भी अधिक होता है। इनके द्वारा उत्पन्न किया गया जो रेशे होते हैं उसका डेनियर वैल्यू बहुत ही अधिक होता है, 2.3 से भी अधिक। डेनियर होता क्या चीज़ है? डेनियर किसी भी रेशे की लीनियर डेंसिटी मापने की इकाई होती है, जिसे हम ग्राम्स प्रति 9000 मीटर के रूप में लिखते हैं। जो यूनिवोल्टाइन किस्म होते हैं हमेशा डाइपोजिंग एक पैदा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा पैदा किया गया एक हमेशा डाइपोज में ही होता है, जिसका हैचिंग बसंत के बाद होता है। इसीलिए इन्हें समर तथा विंटर में नहीं पाला जा सकता। इसके उदाहरण है जितने ही प्रकार के जो यूरोपियन रेसेस होते हैं, जितने ही प्रकार की यूरोपियन किस्म होते हैं ये यूनिवोल्टाइन होते हैं। अगला है बाईवोल्टाइन किस्म। बाईवोल्टाइन किस्म यूनिवोल्टाइन किस्म की अपेक्षा छोटे होते हैं। इनकी लार्वी का आकार छोटा होता है तथा इनके द्वारा बनाए गए कोए का वजन भी कम होता है, आकार में भी छोटा होता है। ये एक वर्ष में दो जनरेशन पैदा कर लेते हैं। इनके लार्वल स्टेज बहुत ही कम दिनों का होता है। चूंकि एक वर्ष में दो जनरेशन पैदा करते हैं इसीलिए इनका लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होता है। लाइफ साइकिल शॉर्ट तथा इनका आकार छोटा होने के कारण इनकी संख्या अधिक हो जाती है। इसी कारण ये अधिक भोजन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न किया गया कोकून तथा इनके द्वारा किया गया भोजन का अनुपात बहुत ही कम होता है। जो बाईवोल्टाइन किस्म होते हैं ये हाइबरनेटिंग तथा नॉन हाइबरनेटिंग दोनों टाइप के अंडे पैदा कर सकते हैं। अगला है वो है मल्टीवोल्टाइन। जो मल्टीवोल्टाइन किस्म होते हैं ये बाईवोल्टाइन की अपेक्षा भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये एक वर्ष में 5 से 6 जनरेशन तक पूरा कर लेते हैं। इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है तथा इनका लार्वल स्टेज ही बहुत कम दिनों का होता है। इनके द्वारा उत्पन्न किया गया कोया बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इनके द्वारा उत्पन्न किया गया रेशा बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है। ये हमेशा नॉन डाइपोजिंग एग ही पैदा करते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा पैदा किया गया अंडा, इनके द्वारा उत्पन्न किया गया एग कभी भी डाइपोज में नहीं होते। जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्पीशीज जो हैं सिल्क मॉथ के, वो अलग अलग प्रकार के वोल्टिनिज्म शो करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज में हम अलग अलग प्रकार के वोल्टिनिज्म देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। मलबेरी सिल्क जो होता है, बॉम्बिक्स मोरी, वो यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन या मल्टीवोल्टाइन तीनों टाइप के हो सकते हैं। जो टसर सिल्क है, ट्रॉपिकल टसर, उसमें भी यूनि, बाई या फिर मल्टीवोल्टाइन तीनों मिलते हैं, जबकि टेम्परेट टसर में सिर्फ बाईवोल्टाइन होते हैं। मूगा सिल्क जो होता है उसमें मल्टीवोल्टाइन होते हैं, तथा इरी सिल्क जो डोमेस्टिकेटेड इरी सिल्क होता है वो मल्टीवोल्टाइन किस्म के होते हैं, जबकि वाइल्ड एरी हमेशा यूनि या फिर बाईवोल्टाइन दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि वोल्टेज किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, या कह सकते हैं कि वोल्टेनिज्म को प्रभावित करने वाले कारक। वोल्टेनिज्म सीधे सीधे किसी भी कीट के डायपोज से प्रभावित होता है, और डायपोज को प्रभावित करने वाले तीन कारक होते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा हॉर्मोन्स। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो यदि तापमान कम हो और फोटो पीरियड ज़्यादा हो, सॉरी, अगर तापमान और फोटो पीरियड दोनों ही कम हो तो वो नॉन हाइबरनेटिंग अंडे पैदा करेंगे, जबकि अगर तापमान अधिक हो और फोटो पीरियड भी ज़्यादा हो उस कंडीशन में ये हाइबरनेटिंग अंडे पैदा करते हैं। अगर जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो कुछ जीन्स होते हैं जो कि कीट के हाइबरनेशन या एस्टिवेशन या डाइपोज को कंट्रोल करते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है हार्मोन। कीटों में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसे डाइपोज हार्मोन कहा जाता है, जो कि उनके डाइपोज को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं मोल्टिनिज्म की। मोल्टिनिज्म के अकॉर्डिंग हम कीटों को या सिल्क मॉथ को कुछ निम्न क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है ट्राई मोल्टर्स, टेट्रा मोल्टर्स, पेंटा मोल्टर्स या फिर हेक्सा मोल्टर्स। हम बात करते हैं ट्राई मोल्टर्स की। जो ट्राई मोल्टर्स होते हैं वो अपने लार्वल पीरियड में 3 बार मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग आप अगर हम मोल्टिंग की बात करें तो मोल्टिंग वो क्रिया होती है जो कीट अपने डेवलपमेंट स्टेज में करते हैं, अपने क्यूटिकल, पुराने क्यूटिकल को छोड़ के नए क्यूटिकल धारण करते हैं, हम उसे मोल्टिंग कहते हैं। तो जो ट्राई मोल्टर्स होते हैं अपने लार्वल पीरियड में 3 बार मोल्टिंग करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न किया गया कोया जो होता है बहुत ही छोटा होता है। ट्राई मोल्टर्स का लार्वल पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम दिनों का होता है। इनका लार्वा का साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर हम बात करते हैं टेट्रा मोल्टर्स की, तो टेट्रा मोल्टर्स जो होते हैं अपने लार्वल स्टेज में 4 बार मोल्टिंग करते हैं, तथा इनके द्वारा उत्पन्न किया गया कोया का वजन मध्यम होता है, ये मध्यम साइज के कीट होते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न किया गया जो रेशा होता है उसका डेनियर वैल्यू 2 से 2.5 तक होता है। अब बात करते हैं पेंटा मोल्टर्स की। जो पेंटा मोल्टर्स होते हैं ये अपने लार्वल स्टेज में 5 बार मोल्टिंग करते हैं। इनका लार्वल स्टेज बहुत ही लंबा होता है। ये अक्सर यूनिवोल्टाइन किस्म के सिल्क मॉथ में पाया जाता है। पेंटा मोल्टर्स जो होते हैं अक्सर यूनिवोल्टाइन में होते हैं। इनका लार्वल स्टेज काफ़ी लंबा होता है। ये काफ़ी लंबे समय तक लार्वे बने होते हैं, तथा इनका लाइफ साइकिल भी काफ़ी लंबा होता है। इनके द्वारा बनाए गए कोए का वजन अन्य की अपेक्षा कहीं अधिक होता है, तथा इनके द्वारा उत्पन्न किया गया सिल्क का डेनियर वैल्यू भी बहुत अधिक होता है। सामान्यतः व्यावसायिक रूप से टेट्रा मोल्टर्स किस्म का हम उपयोग करते हैं। ये एक टेट्रा मोल्टर किस्म का लाइफ साइकिल है जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।